हेलो दोस्तों, हम सभी व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप हर अपडेट्स के बाद कुछ नए फीचर्स ऐड करती जाती है जिसका हमें पता चलता है या नहीं भी पता चलता है। तो आइए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के 10 नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आंसू और आपका मेरे इस टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहला ट्रिक है कि आप बिना कहीं से डाउनलोड किए हुए आप व्हाट्सएप से ही जिप फाइल को भेज सकते हैं। इसके लिए आपको इमोजी के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे में देखेंगे कि एक इमोजी और जिफ फाइल का आइकन दिख रहा है, तो आप जिफ पे क्लिक करें तो वहाँ आपको बहुत सारे जिफ फाइल्स दिख जाएंगे। उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई चैट के हिसाब से मनपसंद सा चूज़ करना है तो आप वहाँ पे बगल में सर्च आइकन पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद का टॉपिक सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया थैंक यू, तो ये थैंक यू का रिजल्ट आ गया। मुझे जो पसंद आया मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया और सेंड कर दिया। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अपने चैट को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं इस तरीके से। और दोस्तों, इसके अलावा आप वीडियो से भी GIF फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में ही। इसके लिए आप बस किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करें, उसमें से आप 6-7 सेकंड की क्लिप को आप सेलेक्ट कर लें और GIF पे क्लिक कर दें तो ये GIF फाइल बन जाएगी और आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो आप किसी भी फनी मोमेंट को आप GIF फाइल बना के व्हाट्सएप से ही सेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और दोस्तों, इसके बाद सेकेंड ट्रिक आता है, जो कि आपने जैसे फेसबुक मैसेंजर में देखा होगा कि जब भी कोई ये मैसेज आपको आती है तो चैट की बबल आ जाती है, आप वहीं से रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोटिफ्लाई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जब भी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा तो आपको उसी तरह की चैट बबल आएगी, आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं और मेन व्हाट्सएप पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छा तरीका है कि आप अपने काम को करते रहें और व्हाट्सएप का रिप्लाई भी ईजिली कर सकें। और दोस्तों, इसके बाद अगला ट्रिक है कि आप किसी के मैसेज को पढ़ भी लें और भेजने वाले को पता ना चले कि आपने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, उसके लिए काफ़ी तरीके हैं। जैसे कि ये नोटिफ्लाई ऐप था, तो इसमें भी अगर आप मैसेज को पढ़ेंगे बिना रिप्लाई किए तो सेंडर को पता नहीं चलेगा कि आपने पढ़ लिया है और उसको ब्लू टिक नहीं जाएगा, तो ये भी अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन से भी 1 फिंगर या 2 फिंगर का स्वाइप करके आप मैसेज को पढ़ सकते हैं, इससे भी सेंडर को ब्लू टिक नहीं जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप की विडजेट को अपने होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं, तो इसमें भी जब आपको मैसेज आएगा तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन सेंडर को ब्लू टिक नहीं जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा भी एक तरीका है कि आप व्हाट्सएप में 3 डॉट पर क्लिक करें और उसके बाद सेटिंग में जाएं और अकाउंट और प्राइवेसी में जा करके आप रीड रिसिपिएंट को ऑफ कर दें। तो दोस्तों, इससे ये होगा कि आप जब भी कोई मैसेज पढ़ेंगे तो सेंडर को ब्लू टिक नहीं जाएगा। तो इसका नुकसान ये है कि आप भी जब किसी को मैसेज भेजेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि उसने मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। और दोस्तों, ये ग्रुप चैट में काम नहीं करेगा। और दोस्तों, इसके अलावा आपको देखना है कि आपको कितने समय से इग्नोर किया जा रहा है या मैसेज कब डिलीवर हो गया, कब सीन हो गया। तो उसके लिए आप किसी भी चैट पर लॉन्ग प्रेस करें और उसके बाद ऊपर में आई के आइकन पर आप क्लिक कर दें तो आपको दिख जाएगा कि ये मैसेज कब डिलीवर हुआ और कितने बजे किसी ने रीड कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और दोस्तों, इसके बाद अगला फीचर है कि आप जब भी कभी पहले फ़ोटोज़ को भेजते थे तो उसमें 90% कंप्रेशन हो जाता था और क्वालिटी लॉस हो जाती थी और फ़ोटोज़ धुंधले हो जाते थे। तो दोस्तों, अब इसके लिए तरीका है कि आप अटैचमेंट पर क्लिक करें लेकिन गैलरी में जाने के बदले आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। तो आप जो फ़ोटो भेजना चाहते हैं वहाँ पर जाएँ और फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करें और जब यहाँ से आप फ़ोटोज़ को सेंड करेंगे तो क्वालिटी लॉस नहीं होगी। अगर फ़ोटोज़ 2 MB की है तो वो 2 MB की ही रहेगी और फ़ोटोज़ बिल्कुल क्लियर जाएगी। तो दोस्तों, ये अच्छा तरीका है कि अब आप हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही भेज सकते हैं, आपको जीमेल सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, इसके बाद अगला फीचर आता है कि अपने मनपसंद मैसेजेस को एक जगह कलेक्ट करने का। तो दोस्तों, आपको जो भी मैसेज पसंद आता है तो उसे आप लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लें और उसके बाद स्टार आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, ये सभी स्टार किए हुए मैसेज एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे और जब भी आपको पढ़ने का मन करेगा तो आप सभी मैसेज एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद अगला फीचर आता है अपने मनपसंद कॉन्टैक्ट का होम स्क्रीन पर शॉर्टकट बनाने का। तो दोस्तों, आप इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करके आप ऐड ग्रुप शॉर्टकट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी होम स्क्रीन पर सारे ग्रुप्स के शॉर्टकट बन जाएंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया है और वहाँ से आप डायरेक्ट उस चैट पर जा सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद ऐसा होता है कि ग्रुप चैट में पता नहीं चलता कि किसको रिप्लाई किया गया है। इसके लिए भी व्हाट्सएप में फीचर है कि आप @ऑफ का आइकन लगा दें जो कि मेंशन करेगा। तो जब भी आप ये आइकन लगाएंगे तो आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी की लिस्ट आ जाएगी और आप जिसको मैसेज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके उसके बाद अपना मैसेज लिख सकते हैं। या इसके अलावा उस पर्सन के मैसेज को
लॉन्ग प्रेस करके रिप्लाई के आइकन पर क्लिक करके आप उसे मैसेज कर सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये मैसेज मुझे ही किया गया है। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर होती है। और दोस्तों, इसके बाद अगला फीचर आता है कि आप कभी कभी भूल जाते होंगे दोस्तों को बर्थडे विश करना, तो उसके लिए एक ऐप है SQ एडिट ऐप। आप इस ऐप में आप अपने मैसेज को लिख सकते हैं और उसके बाद टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो मैसेज उसी टाइम पे आपके दोस्त को सेंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपका फ़ोन अनलॉक्ड होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन अनलॉक्ड रहेगा तो ये सेंड हो जाएगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन लॉक होगा तो ये सेंड नहीं हो पाएगा। तब आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद आखिरी फीचर है, आपको जब भी कभी नए पर्सन से बात करना होता है तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना पड़ता है, तभी आप व्हाट्सएप में उसे मैसेज कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्लिक टू चैट व्हाट्सएप ऐप से आप ऐसा कर सकते हैं। आपको बस वो ऐप ओपन करनी है और किसी न्यू पर्सन का मोबाइल नंबर उसमें इंटर करना है और अपना मैसेज इंटर करना है, और इस तरह से आप बिना उसका नंबर सेव किए आप उसे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फीचर है आपको, जिससे फ्यूचर में बात नहीं करना है, बस उसी टाइम बात करनी है, तो बिना नंबर सेव किए आप उसे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ व्हाट्सएप की ट्रिक। इसमें से कुछ आपको पता होगा या अभी पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप देख सकें मेरे वीडियो सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।